फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप गूगल से या फिर प्ले स्टोर से या फिर कहीं से भी कुछ भी तो डाउनलोड करते हो, चाहे वो फोटो हो, ऑडियो फाइल हो, कोई एपीके हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो जिसे आप डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि इस चीज़ को मैंने डाउनलोड किया है, कहीं इसमें कोई वायरस तो नहीं है। या फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्मार्टफोन में कोई वायरस घुस गया है जो कि हमारे मोबाइल को बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है या फिर इसमें कोई अदर एक्टिविटीज हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्मार्टफोन में कोई वायरस है या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो फाइल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उसमें वायरस तो नहीं है, तो इसका पता बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हो। और कैसे लगाना है आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं मोबाइल को होम स्क्रीन पे, और चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आखिरकार आपके कोई फाइल में कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको चले जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है वायरस टोटल, ठीक है। वायरस टोटल आपको सर्च मारना है गूगल पे, सबसे फर्स्ट में जो लिंक आ जाएगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा सामने में। तो यहाँ पे आपके सबसे फर्स्ट में आपको देख सकते हो तीन ऑप्शन मिल रहा है, फाइल का, यूआरएल का और सर्च का। तो आपको यहाँ पे अगर आपका कोई फाइल है तो आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, अगर कोई आपका यूआरएल है तो यूआरएल को सर्च कर लेना है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो तो सर्च भी कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे आपको एक फाइल को मैं दिखा देता हूँ आपको डेमो के तौर पर। तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी फाइल रहेगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका फाइल कहाँ है उसे आपको देख लेना है। यहां से मैं एक फाइल को उठा लेता हूं। उठाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कंफर्म टू अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो कंफर्म के अपलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद ये एक दो सेकंड या फिर एक मिनट का समय लेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा फाइल पूरे कंप्लीट तरीके से अपलोड हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हो जो फाइल मैंने अपलोड किया था उसमें पूरा जो राइट का क्लिक आ रहा है, इसका मतलब जो है हमारा फाइल सही है, इसमें किसी भी प्रकार का वायरस नहीं है। अगर आपने जो फाइल अपलोड किया है उसमें कहीं पर क्रॉस आ जाता है तो इसका मतलब यह है फाइल में वायरस है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये पता लगा सकते हो कि आपने जो फाइल डाउनलोड किया है या फिर आपके स्मार्टफोन में जो फाइल पड़ा हुआ है उसमें कोई वायरस तो है या नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वो लोग भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते ही होंगे। आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।